नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और यूपी मांगे उत्तर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे उपचुनाव में जुबानी लड़ाई की मुद्दे हुए धाराशाही। जी हां, जुबानी जंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, घोसी की जनता के, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। घोसी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। सपा बीजेपी के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशी के लिए घोसी में रैली और जनसभाएं कर रहे हैं। 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही है। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घोसी पहुंचे, या उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की तुलना कोबरा नाक से कर डाले। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा परिवारवादी और दंगावादी है। सपा खेमे के नेता भी बयानबाजी में पीछे नहीं है। सपा महासचिव शिवपाल यादव भी रविवार को सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने मऊ के घोसी पहुंचे। इस दौरान शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को बहरूपिया बता दिया और दलाल तक बता दिया। राजभर खुद बीजेपी को उल्टा सीधा बोलते थे, अब उनके साथ है। आपको बता दें कि बीते दिनों ओपी राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि यूरो की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अखिलेश अपनी बुद्धि खोले, राजभर के सिवार पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। यानी घोसी उपचुनाव में एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, निजी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन असल मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो खास पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव में नेता असल मुद्दों पर बयानबाजी क्यों नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। कोई बच्ची का, कोई गरीबों के बीच में हमें पड़ जाए, उनके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं, शायद कोबरा नाग जो ऐसा जहर नहीं उगलता होगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर वहां से जीतेंगे भारी बहुमत से। समाजवादी पार्टी कहला कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा का भी टीम है, हम का किला भारतीय जनता पार्टी का असली जो बहुत बहुत समाजवादी पार्टी का लोग कि बहुजन समाज पार्टी भी टीम है, तो ओम प्रकाश राजभर का कौन कि भाजपा का भी टीम समाजवादी पार्टी है। जब दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं तो यहाँ वहाँ क्या करते हैं, अपने केवल किसी भी अपने समाज के बड़े नेताओं को नहीं वहाँ लाने ले जाते हैं, तब अपने दो बेटों और फिर वहाँ पर दलाली काम करते हैं। जिस तरीके से श्रद्धा भाव से यहाँ दर्शन करने आई है, निश्चित रूप से घोसी चुनाव बाबा जिताएंगे हमें। बीजेपी वालों से कहिए जातिगत जनगणना कराइएगा, जनगणना में सारी चीज आती है, कितने लोग नौकरी में हैं, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, ताकि सबको मालूम तो पड़ जाए किसके पास सबका हक मिले। हम तो सबके के पास कर तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का परिचय करा दे। कृष्ण मोहन पांडे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक राय रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक जी आपका भी, और सुभाष यादव है, प्रवक्ता हैं SBSP यानी सुभाषपा से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बृजमोहन पांडे जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कृष्ण मोहन पांडे जी, बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आप लोगों ने काम किए, आप विकास का ढोल पीटती है बीजेपी, लेकिन विकास के मुद्दों पर आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, आप कोबरा कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। हमें न धर्म से मतलब है, न हमें संप्रदाय से मतलब है, न क्षेत्र से मतलब है, न परिवार से मतलब है, और न परिवारवाद से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है और उसी मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के और पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सरकार में हमने जो अभूतपूर्व परिवर्तन किए उत्तर प्रदेश और देश। सर, अखिलेश यादव को कोबरा किसने कहा है? सर, अखिलेश यादव को कोबरा किसने कहा है? देखिए, अखिलेश यादव को कोबरा कहना, अखिलेश यादव स्वयं को यदि कोबरा मान लेते हैं तो उनका व्यक्तिगत बुद्धि पर असर है। कोबरा अर्थात उन लोगों को कहा गया जो समाज के लिए घातक है,
जो इस उत्तर प्रदेश के लिए घातक रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार आतंकियों का साथ देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काम साथ देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में 750 दंगे देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बनाने के नाम पर आधे बजट को दूना करने का काम किया, मैं कोबरा उन लोगों को कहा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में जात जात में बांट कर लोगों को गली मोहल्ले में। अभिषेक राय जी, सुना आपने? अभिषेक राय जी, आपने सुना कोबरा इसलिए कहा गया अखिलेश यादव को? देखिए, कहते हैं ना कि सूप तो सूप चलनिया भी बोले, जिसमें 72.69 करोड़ की रोड जो बनती थी राष्ट्रीय राजमार्ग की, वो 251 करोड़ प्रति किलोमीटर बन रही है, और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बड़ी हंसी आती है, बड़ा कैग की रिपोर्ट आई है, ये हमारी नहीं, कैग सेंट्रल एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है, और उसके बाद ये इस तरह के हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। जनता सब समझती कृष्ण मोहन भाई, छोटे भाई हो आप हमारे, बड़ा सम्मान रखते हैं। इस तरह का शब्द राजनीति में, इस तरह के विद्वेष की राजनीति आज तक नहीं होती थी, जिस तरह से आप लोग करते हो, इतनी ओछे शब्दों का इस्तेमाल करना, आप जैसे सम्मान नहीं। अभिषेक जी, यही तो एक बड़ी सवाल है ना, ये अगर ये जुबानी जंग कर रहे तो आप भी तो जुबानी जंग कर रहे हैं ना सर। अब देखिए, शिवपाल यादव ओपी राजभर को कह रहे बैरूपिया दलाल बता रहे हैं, तो आप भी आप मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे फिर? नहीं, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूँ। शिवपाल चाचा ने जो कहा, आप बताइए, अभी 1.5 साल पहले अभी वो TV9 पे इंटरव्यू दे रहे थे, वहां जवाब नहीं दे पाए एंकरों को जवाब नहीं दे पाए कि 1.5 साल पहले वो क्या कह रहे थे। कह रहे हैं वो चुनावी जुमला था, जुमला सीख लिया। अमित शाह जी से क्या मिले कि 15 लाख चुनावी जुमला था, तो उसी तरीके से उनसे सीख ले कि चुनावी जुमला था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में उनको जगह चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये सबको पता है, सर्वविदित है। और इसमें शिवपाल चाचा ने तो विधानसभा में कह दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसपे हंसी चिटोली भी हुई थी। एक सबसे बड़ा सवाल है ना अभिषेक जी, आप लोग भी तो किसी से भी हाथ मिलाने में कहां गुरेज करते हैं? क्या आपने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया? क्या आपने मायावती से? मायावती को आपके सियासी कट्टर माना जाता था, सियासी कट्टर दुश्मनी के तौर पर मानते हैं आप, लेकिन मायावती से हाथ मिलाया ना आपने, तो ये तो राजनीति है, संभावना है। मेरी बात सुन लीजिए, हमने इस बात से कोई गुरेज नहीं, कि राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती हैं, लेकिन कब कहते हैं ना कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग राजनीति में, कहते हैं स्तर होता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं, कृष्ण मोहन भाई का, सुभाष भाई का, सबका सम्मान करते हैं, तो ये सम्मान की राजनीति है। इस तरह के ओछे शब्द कोबरा, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए इस्तेमाल करना, हमारे जो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे, जिनके विकास की धाराएं उन्होंने बढ़ाई, इस तरह की बातें करना एक राजनेता के लिए बड़ा वो लगता है, जो लगातार 1999 से सदन में जा रहा हो, किसी ना किसी सदन में जनता चुन के भेज रही है। तो आप एक चीज बताइए ना कि इस तरह की ओछी राजनीति करना, जो 24 साल से राजनीति है, उसके ऊपर आप परिवारवाद की बात, अगर राजनाथ सिंह के बेटे बन जाते हैं तो वो परिवारवाद नहीं, अनुराग ठाकुर बन जाते हैं तो वो परिवारवाद की। चलिए, मैं सुभाष यादव जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ, सुभाष पथ है। सुभाष जी, ये जुबानी जंग चल रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ओपी राजभर भी कम नहीं है, और शिवपाल यादव उन्हें बैरूपिया और दलाल कह रहे, तो ओपी राजभर भी तो कुछ कह रहे हैं ना, और तभी ये नौबत आ रही है, कोई नाग बोल रहा है, कोई कोबरा, लेकिन वहां के लोकल इशू है, किसानों के मुद्दे हैं, वहां बेरोजगारी एक बड़ा इशू है मऊ के घोसी विधानसभा के अंदर, उस पर क्यों बात नहीं है? सुभाष यादव जी, आप तो खुद यादव है, आपने सुना होगा ओपी राजभर कह रहे कि ये यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती। देखिए जय प्रकाश जी, बिल्कुल राजनीति के अंदर शब्दों के बाण चलते रहते हैं, बिल्कुल वास्तविकता है, मुद्दों की बात भी होनी चाहिए, लेकिन यादव वाली बात की जो बात आगे बुद्धि खुलती है, वो किस संदर्भ में कहा गया था उसके परिप्रेक्ष्य में जाना बहुत जरूरी है। उसको किसी और दिशा के अंदर डाइवर्ट कर देना और पूरी की पूरी यादव कम्युनिटी के साथ में उसको जोड़ देना, ये पूरी तरीके से मूर्खता है और पूरी तरीके से भिन्न बात है। वहां पे बातें कुछ और हो रही थी, वहां पे बातें कुछ और हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार शब्दों के बाणों की चर्चा हो रही, जिस प्रकार शिवपाल जी ने बोला कि बैरूपिया है और दलाल शब्द का जिक्र किया, जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है, लेकिन शब्दों के बाण जो चल रहे हैं, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि भैया शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, ठीक रखनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े भैया को ये भी याद रखना चाहिए, आज तो वर्तमान में सिर्फ शब्दों के बाण ही चल रहे हैं, लेकिन शायद ये लोग गेस्ट हाउस कांड भूल गए, वहां पे तो हाथापाई हुई थी, कुर्सियां चले थे, लात मुक्के चले थे, घूसे चले थे, दौलत की बेटी तक उन्हें कहा गया था, दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है, उसके बावजूद भी 2019 के अंदर उनसे गठबंधन किया गया कि नहीं किया गया। तो इस प्रकार की अगर बातें बोले कि नहीं भैया क्या क्या बोलते थे और क्या चले गए, ये सब चीजें राजनीति के अंदर बिल्कुल नगण्य है, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। प्रकाश जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ।